हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए यूनिट 4 इंटीजर्स स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीजर्स के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है, क्या होते हैं इंटीजर्स। सबसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो सबसे छोटी नंबर होती है वो जीरो होती है ना। जीरो के पहले तो आपने पढ़ा नहीं था, वन के पहले जीरो, फाइव के पहले फोर, नाइन के पहले एट, 1000 के पहले 999, इस तरह पढ़े थे आपने। कभी जीरो के पहले तो पढ़ा नहीं था। तो अब यहां पर आपको जो पढ़ना है वो आपको जीरो से पहले का भी आपको नंबर पढ़नी है। तो हम इंटीजर्स को एक तरीका या उसको नंबर लाइन कहेंगे, तो उसके थ्रू समझते हैं, ठीक। तो जैसे मान लिया कि अगर मैं चाहूं कि एक ऐसी लाइन खिंचा दी जो लाइन किसी नंबर को रिप्रेजेंट करे, तो फिर वो लाइन क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। ए लाइन विच रिप्रेजेंट्स द इंटीजर इज नोन एज नंबर लाइन। तो एक लाइन है जो नंबर को दिखाती है कि कैसे नंबर्स होती हैं। तो यहां पर हम लोग हमेशा बीच में जीरो सपोज करते हैं, फिर जीरो के राइट साइड बढ़ते जाएंगे, तो यहां पर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरह से लेकर कहां तक चला जाएगा? इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक, मतलब कि कितनी भी हो सकती ना। फाइव के बाद जितनी हमको जरूरत पड़ेगी उतनी लिख सकते हैं। जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो उधर जब 1 2 3 4 5 हो गया, अगर हम इधर आए तो यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 और कहां तक? माइनस इन्फिनाइट तक। अगर समझ में, मतलब कि जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5, और जीरो के लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। आगे समझ में? यहीं से आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा सब कुछ समझ लीजिए। क्या? जैसे ही आप इधर की ओर जाते हैं बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। बढ़ते हुए का मतलब जो जितना इधर होगा वो उतना छोटा होगा और जो जितना उधर होगा वो उतना बड़ा होगा। जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि 2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप वहां पर फिर ये वाली नहीं बताएंगे बड़ी, कौन बताएंगे? 2 बताएंगे। मतलब कि नंबर लाइन के थ्रू अगर आप सोचेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। और नहीं तो आपको फिर दूसरा तरीका समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या में अगर माइनस साइन लगा होता है तो वो प्लस की संख्या से हमेशा छोटा हो जाता है। तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो नंबर लाइन के थ्रू आप समझेंगे, आप मन में माइंड में नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह कौन नहीं माइंड में बना सकता। बना लिया, आपसे पूछा जाए कि 3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो क्या बताएंगे? 3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जितना वो राइट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड वाली नंबर से बड़ा होगा। मतलब राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 4 है, तो ये वाला बड़ा होगा। आगे समझ में? अब इसी तरह मान लिया -1 और -5 में कौन बड़ा, तो भी कौन बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा, क्योंकि ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। फिर कह दीजिए कि -1 और 5 में कौन बड़ा होगा, तो फिर वो राइट साइड में 5 बड़ा है, ये -1 छोटा हो जाएगा। आगे मतलब समझ में? तो ये नंबर लाइन के थ्रू आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। मतलब कि अभी तो मैंने सिर्फ 2 नंबर के बीच का बताया, अगर इस तरह से कई सारी आ जाए, -5 -7 -5 55, फिर उसके बाद यहां पर 250, तो यहां पर फिर आप माइंड में इसी तरह की पूरी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और तब निकाल लीजिएगा। क्योंकि ये मैंने अभी इस वजह से बता दिया क्योंकि आगे इसको मुझको फिर ना बताना पड़े। अब आइए एक्सरसाइज की ओर स्टार्ट करते हैं, और इनके बीच का ऑपरेशंस भी आपको मैं बता दूंगा आने वाले समय में। लेकिन पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन से करिएगा, मैं सिर्फ इसका मीन्स बताया दे रहा। कह रहा उल्टा लिखना, राइट द अपोजिट, ये तो ग्रामर पोर्शन आ गया। मतलब कि एन इंक्रीज ऑफ 8 का क्या हो जाएगा? ए डिक्रीज ऑफ 8। इंक्रीज का होता है तो डिक्रीज होता है, लॉस का गेन या प्रॉफिट, गेनिंग ए वेट का लूजिंग ए वेट, फिर 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल का 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। मतलब कि समुद्र स्तर से 10 किलोमीटर ऊपर, तो समुद्र स्तर से 10 किलोमीटर नीचे। फिर उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो 5 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फिर ए डिपॉजिट ऑफ 100, मतलब कि 100 रुपए जमा करना, तो 100 रुपए निकालना, निकालने का मतलब विथड्रॉ। फिर अर्निंग 500, मतलब कि खर्च, वो कमाना हो गया, तो कमाने का उल्टा खर्च करना, तो स्पेंडिंग। फिर गोइंग 6 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ जाना या तो वेस्ट की तरफ जाना, इसका 2 आंसर आप लिख सकते हैं। ईस्ट की तरफ जाना तो ईस्ट से आना, तो कमिंग फ्रॉम द ईस्ट,
ये हो सकता है, या तो ईस्ट की तरफ जाना उसका उल्टा वेस्ट की तरफ जाना। तो आप जो चाहे जो आपको आंसर मैच कर वो लिख लीजिएगा। फिर 24 का उल्टा माइनस 24, 24 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 24, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 24 जितना उधर होगा उतना ही इधर माइनस 24 होगा, तो उल्टा ना हो गया। और फिर माइनस 34 का उल्टा 34। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आपको लग रहा हो कि ये बढ़ रहा है तो आप आंसर में प्लस लगा दीजिएगा, अगर आपको लग रहा हो ये घट रहा है तो आप आंसर में माइनस लगा दीजिएगा। जैसे एक गेन ऑफ 600 रुपीज, मतलब कि 600 रुपए का फायदा हो गया, 600 रुपए बढ़ गए, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर प्लस रुपीज 600। एक बात और, आप चाहे तो प्लस साइन लगा सकते हैं और ना चाहे तो भी आप नहीं लगा सकते, लेकिन ये केस केवल प्लस के साथ, मतलब कि कोई भी संख्या में अगर साइन नहीं लगा है तो भी उसको पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर कोई भी संख्या में प्लस साइन लगा है तो वो तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली है। लेकिन अगर कोई संख्या में माइनस साइन लगा है तो उसको अगर हम बिना साइन के लिखेंगे तो वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि माइनस साइन नहीं लगा ना तो हम उसको प्लस का मानेंगे, जबकि है वो किसका, माइनस का। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स से यहाँ पर माइनस प्लस साइन लगाने में होती, उनको पता ही नहीं चलता कि लगाना है कि नहीं लगाना, अच्छा ही लगता उनको कभी। फिर आप इसी तरह से इसमें कर लीजिएगा। फिर आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड नंबर ले लेते हैं। मार्क द इंटीजर्स फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। मैं खामखा इंटीजर्स वाली नंबर लाइन इरेज कर दी, मुझको फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन एक बार ड्रॉ कर लिए, फिर नंबर लाइन में उसमें देखिए, अब यहां पर 10-15 नंबर आपको नहीं लिखना, इस तरह तो लिखते ना चले जाएंगे, आपको दिमाग लगाना है क्या कि क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पहले कह रहा है -5, मतलब कि आपको इधर की जरूरत है, उधर की जरूरत नहीं है। तो जब उधर की जरूरत नहीं है तो आप यहां पर सिर्फ एक जीरो तो 100% आपको दिखाना पड़ेगा। आपको माइनस साइन की जरूरत है तो आप प्लस साइन में कोई एक दो नंबर लिख लीजिए, उतना सफिशियंट है। फिर इधर आप बनाइए क्या, -1, -2, -3, -4, -5, और कोशिश ये रहे कि जो पूछा है उससे एक ज्यादा आप बनाइए, मतलब -5 पूछा है तो -5 से थोड़ा सा एक ज्यादा बना लीजिए, और यहां पर माइनस का पूछा था तो उधर प्लस में केवल हमने एक लिख लिया, बाकी जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब इसके बाद फिर एक बात और, आप ये जरूरी नहीं कि जीरो को बिल्कुल हमेशा बीचों बीच ही रखें। बीचों बीच का मतलब है कि अगर नंबर लाइन ड्रॉ की जाए तो जीरो का जो स्पेस है वो बीच में है, बस वो नंबर लाइन हमने उधर की गायब कर दी, इधर लिख दी, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर -5 को रिप्रेजेंट करने को कह रहा था ना, मतलब कि मार्क करने को कह रहा था। मार्क करने का मतलब कि उसको एक पहचान दे दीजिए, इसमें पॉइंट कर दिया, इस जगह पर नाम दे दिया ए। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा पहले a, फिर ब्रैकेट में -5 इज रिप्रेजेंट, या तो आप यहां पर मार्क्ड भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आगे सबको समझ में, और ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, इसको आज अभी इसी वक्त लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपका क्लास एट तक काम आने वाला है। हाँ सच में, क्योंकि ये हर एक क्लास में काम आएगा, चाहे आप अपने सीनियर जो जितने भी भैया दीदी हो उनसे पूछ लीजिएगा, ये लाइन हमेशा सबको रट गई है क्योंकि ये इतनी बार यूज हुआ है। तो आप अभी लर्न कर लीजिए, वैसे लिखते रहेंगे ना आपका आंसर आ जाएगा, और हर एक क्वेश्चन में आपको यही चीज करना है, ये जरूरी नहीं कि इसमें करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है उसमें 0 लिखा है ना, तो 0 के लिए मुझको इसको बदलने की भी जरूरत नहीं है क्या, ये लाइन मुझको फिर से, खैर आपको तो बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको तो अलग क्वेश्चन में करना है, मैं इसमें बता सकता हूं। 0 को बनाना है तो ये लीजिए, मैंने इधर खिसका दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और यहां पर आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप नया क्वेश्चन बनाएंगे, 0 को पहले लिख दिया, फिर से ए, आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम मन वो भी लिख सकते हैं, खैर वो तो एक बात की बात है, कहने का मतलब यहां पर आप किसको कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्टली आप ए से लेकर जेड तक के जितने भी सिंगल वेरिएबल होंगे उनको लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जितने मन हो, ठीक। आपका बार बार मन है ए लिखने का, आप बार बार लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप ए, फिर ब्रैकेट में 0 इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, बस क्वेश्चन खत्म। आ गया सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आप अपने मन से करेंगे क्योंकि वही चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। क्या कह रहा है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, चलिए मैं बता देता हूं, माइनस थ्री और माइनस फाइव में कौन बड़ा? माइनस फाइव उधर है ना कि माइनस थ्री उधर है? देख लीजिए, आपको मुझको नहीं पता, ये नंबर लाइन आपके सामने, आप दिमाग लगाइए कौन उधर है, माइनस फाइव है कि माइनस थ्री, इसमें देखना। ये देखिए, ये माइनस थ्री है और ये माइनस फाइव, तो माइनस थ्री उधर है, मतलब कि वो ज्यादा उधर है। ये माइनस थ्री हो गया, ये माइनस फाइव हो गया, तो बड़ा कौन है? माइनस थ्री, तो ये बड़ा है ना, तो इस तरह लग जाए। आगे समझ में? और वैसे आप क्या करते हैं कि थ्री और फाइव में कौन बड़ा होता है? फाइव बड़ा होता है ना, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है अगर माइनस साइन लगा होता है। मतलब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, अगर थ्री और फाइव लिखा है तो ऐसे साइन रहेगा, और लेकिन अगर माइनस हो जाता है ना तो ये साइन फिर पलट जाता है, मतलब नाराज हो जाता है। माइनस साइन आता है तो ये नाराज हो जाता है, पहले इसके पास रहता था अब इसके पास चला जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए वही चीज उल्टा हो गया, ठीक। तो मतलब कि आपको अब इससे ना समझ में आए कि माइनस साइन में कौन छोटा है तो वो बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने आपको नंबर लाइन से बता दिया। फिर उसके बाद जैसे फिफ्थ नंबर लिखा है ना, फिफ्थ नंबर में लिखा है कि माइनस थ्री सिक्सटी फाइव और माइनस नाइन थर्टीन, इनमें कौन बड़ा है? तो इनके लिए तो आप फिर इतनी बड़ी तो नंबर लाइन यहां पर लेफ्ट साइड में ड्रॉ नहीं कर सकते कि यहां पर 900 तक की नंबर लिखी, नहीं कर सकते ना, तो आपको ड्रॉ करना भी नहीं, केवल दिमाग लगाना। अगर आपने ड्रॉ किया तो 365 और माइनस का 913, तो इधर कौन आ जाएगा पहले, मतलब कि राइट साइड में कौन आ जाएगा? अगर आप जीरो से इधर आते जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर, तो पहले तो ये मिलेगा ना, और फिर उसके बाद ये कहीं और दूर जाके मिलेगा। तो कहने का मतलब कि पहले 365 यही मिल जाएगा, जैसे जीरो से मान स्टार्ट किया मैंने यहां पर आया तो यहां पर 365 मिल गया, और फिर यहां से ऐसे जाते जाएंगे तो यहां कहीं 913 मिलेगा। तो फिर देखिए यहां 365, यहां 913, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 365। मतलब जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना अच्छे से आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे सबको क्या बताते हैं कि इसमें बड़ा कौन है? 913। 913 बड़ा हो जाता, लेकिन माइनस साइन लगे होने की वजह से जो छोटा है वो बड़ा हो जाता। आगे सबको समझ में? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कर लेना है, उसमें स्मॉलर पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैं एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। कह रहा है जीरो और सिक्स के बीच में कितनी नंबर होंगी? तो जीरो और सिक्स के बीच में 1 2 3 4 5 इतनी नंबर होंगी। फिर कह रहा है कि जीरो और माइनस वन की नहीं, माइनस फाइव और जीरो के बीच में, तो माइनस फाइव के बाद ये देखिए माइनस फाइव और जीरो के बीच में पूछा है, तो माइनस फाइव और जीरो के बीच में माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, जैसे माइनस सेवन और माइनस फाइव के बीच में या माइनस थ्री और थ्री के बीच में, तो ये माइनस थ्री और थ्री के बीच में आपको बार बार नंबर लाइन के बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इमेजिन अच्छे से कर लीजिएगा नंबर लाइन तो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस टू माइनस वन फिर जीरो वन टू। फिर यहां पर कह रहा है कि माइनस सेवन और माइनस फाइव के बीच में, तो माइनस सिक्स। आगे सबको समझ में? फिर इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेवन कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर एट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा है। जब आपको मैंने छोटा और बड़ा बताना सिखा दिया है तो फिर आप छोटे से बड़ा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा कह रहा है, इसको भी आप कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन 6। मतलब कि नंबर लाइन से बताइए 4 मोर देन 6 लिखा है ना, तो मतलब कहने का यह है कि 4 मोर देन 6 का मतलब कि 6 से 4 ज्यादा है ना, 4 मोर देन 6 मतलब 6 से 4 ज्यादा। तो 6 से 4 ज्यादा का मतलब नंबर लाइन से आपको निकालना है, तो पहले तो आपको 6 और 4 दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आप फिर माइनस साइन वाला भूल जाइए और एक बार लिखिए केवल। फिर यहां पर आप लिखिए 1 फिर 2 3 4 5 फिर 6 7 और इसी तरह से आप बनाते जाइए 8 9 10 11, बना दिया। अब यहां पर पहले कह रहा है कि 4 मोर देन 6 मतलब कि 6 से 4 ज्यादा, तो 6 तक तो आपको जाना ही है, तो पहले 6 तक आप डायरेक्ट चले गए
फिर 6 से 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा का मतलब आगे, एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा और ये 4 ज्यादा, तो मतलब कि ये ऐसे एरो, ये एरो ऐसे, और आपका जहां पर निकला आपका वही आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है 5 मोर देन माइनस 6, मतलब कहने का क्या है कि माइनस 6 से 5 ज्यादा, मतलब माइनस 6 से 5 ज्यादा, यहां पर फिर माइनस साइन भी आ गया, तो मतलब कि आपको माइनस साइन बनाना पड़ेगा, तो यहां पर बना लीजिए माइनस 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0 और 1। पहले तो माइनस 6, तो 0 से डायरेक्ट यहां पर आया माइनस 6 में, फिर 5 ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब अब आगे 1, 2, 3, 4, 5, वो भी 5 ज्यादा कह रहा था, ये इधर आ रहा था, तो क्या आ गया माइनस 1 आ गया। आ गया सबको समझ में? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड में कह रहा है 6 लेस देन 2, मतलब कि 2 से 6 कम, देखिएगा 6 लेस देन 2 का मतलब 2 से 6 कम, तो आइए फिर बनाते हैं। ठीक, यहां पर प्लस माइनस दोनों है, तो यहां पर 0 और 0 यहां पर, और इधर लीजिए यहां पर ले लीजिए 0, 1, 2, 3, यहां पर -1, -2, -3 और फिर -4, -5, -6 इतना सफिशियंट है, तो 2 से 6 कम, तो पहले 2 पे जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट होना है 2 पे चले गए, फिर 6 कम मतलब कि 6 कम हो जाएंगे, तो यहां पर 1 कम हुए, 2 कम हुए, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहां पर ऐसे एरो बना लिया और ये ऐसे, और क्या आ गया -4 इसका आंसर आ गया। आ गया सबको समझ में? फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स है, उसको आप अपने मन से कर लीजिएगा, और फिर लास्ट जल्दी से 12 देख लीजिए, और फिर 30 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वैल्यू निकालिए, मतलब कि -9 के बाहर ये जो डंडे लगे ना दो टुक, इनको मॉड कहा जाता है, और मॉड के अंदर जो भी नंबर लिखी होती है वो हमेशा बाहर प्लस में आती, अगर अंदर -9 है तो बाहर +9, ठीक, अगर अंदर प्लस है तो भी प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं होता, मतलब कि हमेशा बाहर प्लस में ही आता है। फिर जैसे लिखा है मॉड -36, तो इसका आंसर 36, फिर मॉड 0 का आंसर 0, फिर मॉड 15 का आंसर 15, फिर बाहर लिखा है माइनस मॉड -3, तो इसका तो 3 हो गया, मॉड के अंदर -3 था तो 3 हो गया, बाहर माइनस लगा था तो माइनस फिर वो लग जाएगा। फिर कह रहा है 7 प्लस मॉड -3, मतलब यहां पर 7 प्लस मॉड -3, तो पहले मॉड खोलते तो 7 था तो 7, प्लस था तो प्लस, मॉड के अंदर जो था उसको केवल नंबर लिख ली, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 7 और 3 का प्लस करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मॉड के अंदर 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का मतलब पहले मॉड, फिर 7, फिर -4, पहले मॉड के अंदर प्लस माइनस किया तो 3 आया, मतलब कि मॉड के अंदर अगर सिंगल डिजिट होगी तो ही बाहर निकलेगी, और मॉड 3 की वैल्यू 3। आगे सबको समझ में आ रहे? फिर इसी तरह 8 नंबर में 8 माइनस मॉड -7, तो 8 माइनस मॉड -7 को खोला तो 7, और 8 माइनस 7 कितना आ गया 1, ये इसका आंसर। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 अपने मन से करिएगा, कह रहा है कि 5 ऐसी निगेटिव इंटीजर बताइए जो -7 से बड़ी हो, चलिए मैं आंसर बता देता हूं, -7 से बड़ी हो और उनमें माइनस साइन लगा, तो -7 से बड़ी मतलब इधर वाली लिखना, पहले -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, 5 पूछा तो 5 हो गई। फिर कह रहा है कि 5 निगेटिव इंटीजर बताइए जो -20 से छोटी हो, तो -20 से छोटी हो, तो -20 से छोटी कौन होगी, मतलब इधर वाली, मतलब कि -21, -22, -23, -24 और -25, ये 5 हो गए। आगे समझ में? तो थोड़ा सा वीडियो की टाइम लिमिट बढ़ गई है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे फिनिश हो जाएगी एक बार में तो ज्यादा सी रहेगा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा और फिर सिलेबस पिछड़ जाता है, तो आप भी थोड़ा कोशिश करिएगा कि आप थोड़ी अपनी कैपेसिटी आप अपनी भी बढ़ाइए। आपका आज फिर होमवर्क यही रहेगा कि आपको अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 4A तक कंप्लीट कर लेना।